शेतकरी मित्रांनो नमस्कार। महाराष्ट्राचा शेतकरी यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। शेतकरी मित्रांनो, राज्यात मान्सून दाखल झाल्यानंतर झालेल्या दमदार पावसामुळे पेरणी केलेल्या पिकांची चांगली उगवण झाली, मात्र जून महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून पावसाने उघडीप दिल्याने शेतकऱ्यांच्या नजरा आता आभाळाकडे वळल्या आहेत। पण आता राज्यात पाऊस पुन्हा सक्रिय होणार असून 8 ते 10 जुलै दरम्यान दमदार पावसाला सुरुवात होईल असं मत ज्येष्ठ कृषी हवामान तज्ज्ञ रामचंद्र साबळे यांनी व्यक्त केलं आहे। येत्या 24 तासानंतर विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये पावसाचं प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे। दिनांक 9, 10 आणि 11 जुलै रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रातील जसे की विदर्भ, मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र आणि कोकणात पावसाचा जोर वाढणार असून बहुतांश ठिकाणी मुसळधार पाऊस होण्याचा अंदाज स्कायमेट या खाजगी हवामान संस्थेने वर्तवला आहे। दिनांक 9 जुलै ते 15 जुलै संपूर्ण विदर्भ आणि मराठवाडा सोबतच कोकण आणि मध्य महाराष्ट्राच्या दक्षिण भागामध्ये जोरदार पावसाला सुरुवात होईल अशी शक्यता स्कायमेट या संस्थेने वर्तवली आहे। और एक मतलब 24 घंटे के बाद जो विदर्भ है, मराठवाड़ा है, इस इलाके में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। और जो महाराष्ट्र के इलाके हैं, इस इलाके में 9, 10 और 11 तारीख को पूरे जो महाराष्ट्र है इस इलाके में, यानी कि विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोकण एंड गोवा, इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश होगी। खास करके विदर्भ और मराठवाड़ा में नागपुर, अकोला, अमरावती, वर्धा, वाशिम, भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर, लातूर, हिंगोली, जलना, परवनी, औरंगाबाद, इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश है, तेज बारिश की संभावना है। परवनी वगैरह में और उस्मानाबाद में भी अच्छी बारिश है। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, इन इलाकों में भी अच्छी बारिश हो सकती है। नासिक और पुणे में लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना है। मुंबई में भी 8-9 तारीख को बारिश बढ़ेगी, लेकिन जलगांव और उसके आसपास के इलाकों में बारिश अपेक्षाकृत हल्की ही रहने की संभावना है।